Realme V5 स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, जो कि रिसेंटली चाइना में लॉन्च किया गया है। तो ये अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये स्मार्टफोन आप लोगों को कैसा लगा। तो यहाँ आप लोगों को कुछ बॉक्स की डिज़ाइनिंग इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ हम बॉक्स को ओपन करते हैं और आप लोगों को यहाँ सबसे ऊपर दिखाना चाहूँगा। तो बॉक्स ओपन करते ही यहाँ आपको फर्स्ट लेयर देखने को मिलता है दोस्तों, येलो कलर का। तो इस बॉक्स में हम चेक करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या एक्सेसरीज दिया गया है। तो यहाँ निकाल के दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ आप लोगों को वाइट कलर को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिया गया है और एक ट्रांसप्रिंटेड बैक केस मिल जाता है जेली टाइप का। तो यहाँ आप लोग देख पाओगे। इसके अलावा यहाँ आप लोगों को एक लेयर और मिलेगा, इसको हटाएंगे तो आपको स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक देखने को मिलेगा, जो कि पॉलीथीन की रैपर से पैक्ड है, यहाँ आप लोग देख पाओगे। तो इस स्मार्टफोन को यहाँ से बाहर निकालेंगे और मैं आप लोगों को बॉक्स के अंदर की एक्सेसरीज निकाल के दिखाना चाहूँगा कि और क्या क्या चीज़ें दी गई है बॉक्स के अंदर। तो यहाँ स्मार्टफोन को बाहर निकालते हैं और यहाँ आप लोगों को वाइट कलर का एक चार्जिंग एडाप्टर मिल जाता है दोस्तों, जो कि ये 13 वॉट का फ्लैश चार्जिंग है। तो ये आपको बहुत ही तेज़ी से आपके स्मार्टफोन को चार्ज करके देगा। इसके अलावा आप लोगों के यहाँ वाइट कलर का टाइप सी केबल मिलता है, यहाँ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। उससे पहले आप बॉक्स में नज़र डालोगे तो आपको सिम इंडिकेटर टूल देखने को मिलेगा और यहाँ आप लोगों को ये टाइप सी केबल मिल जाता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो फाइनली इस स्मार्टफोन को पॉलीथीन के रैपर से बाहर निकालते हैं और यहाँ आप लोग Realme V5 का फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट लुक देख पाओगे। तो ये स्मार्टफोन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ओवरऑल करते हैं इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले एंड डिज़ाइनिंग की बात। तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 6.5 इंच की फुल HD प्लस की IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है दोस्तों। इसके अलावा इसमें आप लोगों को पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है और 19 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और यहाँ जो आप पंच होल कैमरा देख रहे हो, ये कैमरा दोस्तों 16 मेगापिक्सल का पंच होल सेल्फी कैमरा है, जिसमें आप लोगों को f/2.1 का अपर्चर और AI ब्यूटी मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके अलावा आप लोगों को पीछे साइड 4 रियर कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ आपको मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का मिलता है, जिसका अपर्चर f/1.8 है, और सेकेंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए, जिसका अपर्चर f/2.3 है, और जो थर्ड कैमरा है 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस के लिए काम करेगा, जिसका अपर्चर f/2.4 है, और जो फोर्थ कैमरा दिया गया है दोस्तों 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर, जिसका अपर्चर f/2.4 है। तो ओवरऑल इसमें 4 रियर कैमरे और एक LED फ्लैश और पीछे साइड आप लोगों को Realme का ब्रांड लोगो मिल जाता है, जो कि बड़े से अक्षर में आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अब आपसे बात करता हूँ इस स्मार्टफोन की बॉडी डिज़ाइनिंग की। तो साइड बाई साइड इस स्मार्टफोन की बॉडी डिज़ाइनिंग आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे ऊपर साइड सेकेंडरी माइक नॉइज कैंसिलेशन के लिए, और लेफ्ट साइड सिम ट्रे बॉक्स और वॉल्यूम रॉपर कीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ लोग देख पाओगे। और नीचे की साइड आपको हेडफोन पोर्ट, माइक और चार्जिंग पोर्ट और यहाँ स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल इस तरह से बॉडी डिजाइनिंग रखी गई है। और राइट साइड आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर पावर ऑन ऑफ कीज़ भी मिल जाता है, इसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं मिलता। रीज़न ये है कि इसमें आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलता है और इस डिस्प्ले में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। और वहीं इसी स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आप लोगों को एंड्रॉयड 10 विथ Realme UI के साथ आता है दोस्तों। बात करें इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को MediaTek Dimensity का 720 वाला प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि ऑक्टा कोर बेस पे वर्क करता है दोस्तों। और इसके अलावा बात करें इस स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी की, तो इस स्मार्टफोन में आपको बहुत बड़ी बैटरी कैपेसिटी मिल जाता है, 5000 mAh का नॉन रिवर वाला बैटरी, जिसमें आप लोगों को 13 वॉट का फ्लैश चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। और ये स्मार्टफोन 6GB की रैम एंड 128GB स्टोरेज के साथ आता है, और इसका एक और वेरियंट है दोस्तों 8GB की रैम एंड 128GB स्टोरेज के साथ। तो ओवरऑल ये अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और इसी तरह की लेटेस्ट